वेलकम टू माई YouTube चैनल परफेक्ट मैथ क्लास। और आज हम फिजाइया के हिली एरियाज का पेपर सॉल्व हुआ था, उसकी ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं। चलिए आइए ब्लैंक्स नंबर 1 MCQs देखते हैं। इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर दैन सेलिंग प्राइस तो व्हाट वे द दैन द सेलर गॉट। तो देखें, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होंगे और सेलिंग प्राइस कम हो, लेट कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस क्या है 100 रुपीज़ कर लेते हैं, यानी कि सीपी हमें दे देता है 100। ब्लैंक्स को समझाने के लिए काम कर रही हूँ। और सेलिंग प्राइस कह दिए लेस, ग्रेटर से लेस, यानी कि ये लेस होंगे, आपने 90 रख लें। तो जाहिर सी बात है, एक चीज़ महंगी खरीदी और सस्ती बेच दी, तो सेलर को क्या होगा, सेलर को लॉस होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे ये फॉर्मूला है जो कि आपने याद किया होगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, किसका फॉर्मूला होता है, नेट सेलिंग प्राइस का। नेक्स्ट ब्लैंक्स पे चलते हैं। द नेक्स्ट टर्म इज द सिक्वेंस, देखें 6, 12, 18 और 24। देखिए 6 का गैप चल रहा है, 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30, द नेक्स्ट टर्म शुड बी 30 होगी। अब देखिए कॉमन फैक्टर 9xy² + 3xy, इन दोनों में कॉमन फैक्टर और इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होंगे, तो इन लोगों के आपस में जो कॉमन फैक्टर होंगे वो एक्स वाई होंगे, क्योंकि यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो इस वजह से हम खाली x और y लेंगे और लोअर पावर लेंगे। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो x की पावर 1 और y की पावर 1। तो आंसर नेक्स्ट टर्म ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, आपको पता है इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है हमारे पास, 60 60 60 180 होता है आंसर आगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, ये देखें सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का फासला क्या कहलाता है, आपने सेंटर से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करके देख लीजिएगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका, रेडियस। नेक्स्ट चलते हैं। द टैक्स पेड बाय टू द बायर टू द सेलर, जो टैक्स पे है वो बायर सेलर को पे करता है, तो वो क्या कहलाता है, ये जनरल सेल टैक्स या GST कहलाता है। नेक्स्ट देखें, डैश इस ABC लिखा हुआ है, इस कॉल डैश मोनोमियल बायनोमियल, देखें ये फर्स्ट है ए टर्म, बी सी, तीन टर्म्स हो गई, तीन लेटर्स हो गए, तो ये ट्राइनोमियल कहलाती है। नेक्स्ट, ट्राइंगल हैविंग ऑल थ्री साइड अनइक्वल, एक ट्राइंगल ले लेते हैं उसकी हर साइड अनइक्वल ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं ये 4 की है, ये 6 की और ये 7 सेंटीमीटर की, तीनों साइड अनइक्वल आई है, तो इसको क्या कहेंगे हम, स्केलन ट्राइंगल। नेक्स्ट है पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम, इसका फॉर्मूला फिक्स होता है 2L + B। नेक्स्ट चलते हैं। If all the interior angle of a polygon are less than 180 degree, तो अगर 180 से छोटे होते हैं तो वो कॉनवेक्स कहलाते हैं, और अगर यहाँ पे सवाल में लेस नहीं, ग्रेटर या मोर का लफ्ज़ होता तो वो कॉनकेव होते हैं, यानी कि जो हमारे पास लेस देन है उसका आंसर हमारे पास कॉनवेक्स है। नेक्स्ट चलते हैं। और फोर साइडेड क्लोज प्लेन फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रेटल फिगर कहलाती है। डेटा कलेक्टेड बाय समवन एज अर्लियर, आप इसके अलावा कोई करे तो उसको क्या कहते हैं हम, सेकेंडरी डेटा कहते हैं। ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू, ग्रेडियंट क्या, लाइन किसके बराबर होता है, वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजेंटल चेंज, हॉरिजेंटल चेंज वर्टिकल चेंज, चेंज इन वाई एक्सिस हॉरिजेंटल, या वर्टिकल चेंज चेंज इन जेड एक्सिस। तो ये देखें आपके पास ये होता है राइस और ये जगह कहलाती है रन, इस जगह को हम वर्टिकल चेंज कहते हैं और इस जगह को हम हॉरिजेंटल। तो आपका ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, राइज ओवर, नीचे आपको ये चीज़ रिमेंबर करनी चाहिए, एक्सरसाइज में आपने पढ़ा है राइज ओवर रन, तो यानी कि वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजेंटल चेंज। लास्ट ब्लैंक है, अ सिस्टम इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन इफ टू लाइन्स, यानी कि दो लाइन्स हैं ये आपस में परपेंडिकुलर होंगी, पैरल होंगी, कॉन्करेंट होंगी या बाइसेक्ट होंगी, दो ऐसी लाइनें जो जिनका कोई सोल्यूशन ही नहीं होता। देखें पैरल लाइन होती है वो हमेशा पैरल चली जाएंगी, आप यहाँ से हैदराबाद तक चले जाएं तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, वो पैरल ही चलते जाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड पैरल लाइन। इस तरह आपके तमाम MCQs मैंने अच्छे से समझा दिया, आई होप आपको अच्छे से समझ में। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।